नमस्कार, मैं हूं प्रिया। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के 8 जिलों में अगले 72 घंटों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक समुद्र तट के साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ऐसा हो रहा है। पूर्वानुमान के मुताबिक इन जिलों में गरज और चमक के साथ 21 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सभी अंचलों को आपदा विभाग के साथ किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने बाढ़ के खतरे को लेकर सतर्क रहने को कहा है। वर्षा के दौरान हवा का रफ्तार सामान्य से ऊपर रह सकता है। लोगों को सावधानी के साथ घर से बाहर ना जाने की सलाह दी गई है, ताकि जान या माल का कोई खतरा ना हो। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर 27 सितंबर को ऑरेंज वार्निंग, 28 को रेड वार्निंग और 29 को ऑरेंज वार्निंग का ऐलान किया गया है। बांध के कटाव स्थल के पास रहने वाले पंचायत के व्यक्तियों को अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। पिछले दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। खबर के अनुसार गुरुवार को भी कमला नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। वहीं समस्तीपुर के मोहनपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुधवार की शाम जिलाधिकारी ने बेड़ी विशनपुर गांव के बांध से बाढ़ का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को 96.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और मधुबनी सहित समूचे बिहार के 14 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इनमें गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा और सहरसा भी शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।